वेलकम टू वेल्थ अपडेटेड गाइस, मेरा नाम है आकाश और मैं हूं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्यों हमें सेल में गिरावट दिखने को मिल रही है और हम इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं मंडे को, और अगर स्विंग की अपॉर्चुनिटी है तो हम वो भी इसमें देखने वाले। बट अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि बहुत जल्द मैं आने वाले एक प्लेलिस्ट के साथ जिसमें हम सीखने वाले कैसे रामदेव अग्रवाल जी ने जीरो से लेकर मैसिव 2000 करोड़ रुपीज कमाए, एकदम इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। कैसे उन्होंने स्टॉक चूज किए, क्या है उन्होंने चीजें देखी जो उनके बुक में है, 15 चीजें देखते हैं वो स्टॉक में पहले चूज कर इन्वेस्ट करने से पहले। तो हम सब देखने वाले, हम भी देखें कैसे इन्वेस्ट कर सकता है और हमारे लिए एक मैसिव वेल्थ बिल्ड कर सकता है, तो ये सब हम सीखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं सेल का क्या एनालिसिस है और क्या स्टोरी है सेल के चार्ट्स पे। यहाँ पे मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम ओपन करके रखा है और मैंने ऑलरेडी मेरी पुरानी वीडियो में कहा था ये एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो हमें बहुत अच्छी इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। जिसने भी ये ट्रेड लिया था उन्होंने अच्छा मुनाफा बनाया है, बट चलिए अभी वो बात कही, अब नई स्टोरी देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पे वापस से एक सपोर्ट लेने के बाद मैं मार्क कर देता हूँ, इस लेवल पे सपोर्ट करने के बाद स्टॉक वापस गया है ऊपर, एक बैक टेस्ट किया है स्टॉक ने और वापस नीचे आने के लिए पूरा रेडी है स्टॉक। अगर मंडे को ये जो लो है स्टॉक का जो 106.85 का ब्रेक होता है तो आपको बहुत जल्द इसमें 99 के लेवल 100 के लेवल दिख सकते हैं। अगर आपको इसमें स्टॉक में ट्रेड करना है मंडे को, अगर इसका लो ब्रेक होता है तो आप 100 रुपीज का टारगेट लेके चल सकते हैं, और अगर इसने जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो ब्रेक किया तो आपका इमीडिएट टारगेट होने वाला है 122 का। ये स्विंग अपॉर्चुनिटी है और फर्स्ट वाली जो मैंने बताया वो है एक इंट्राडे अपॉर्चुनिटी। तो ये दो अपॉर्चुनिटीज है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड है तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं इस स्टॉक में, क्योंकि इस स्टॉक जो स्टील सेक्टर की डिमांड है वो आगे बढ़ने ही वाली है, और अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया लॉन्ग टर्म के लिए तो आपने इसके फाइनेंशियल जरूर देखे होंगे। अगर आप इसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं इसका फाइनेंशियल एनालिसिस भी कर दूंगा, कैसे इसके चार्ट्स फंडामेंटल्स सब देखेंगे हम। और जाने से पहले हम एक बार NSE के वेबसाइट पे भी जाते हैं और देख लेते हैं कुछ सेल के बारे में कुछ न्यूज़ है क्या जिसकी वजह से हमें इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे मैं आ चुका हूँ NSE के वेबसाइट पे, देख लेते हैं कॉरपोरेट इन्फॉर्मेशन 7 सितंबर, कोई पुरानी न्यूज़ नहीं है, बस हम एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, और मैंने आपके साथ दो अपॉर्चुनिटीज ऑलरेडी बता दिए है। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। सो दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।